Marvelous work. Think creative. Do creative. Become creative. Before starting our video, if you didn't subscribe our channel, then first click on subscribe option, then click on bell icon so that you can never mistake any update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले पार्ट में अपने ट्रेन को क्यूल में रोक दिया था और क्यूल से आया कि तक जो चंडी पातक जर्नी को हम अब करने वाले हैं इस सेकंड पार्ट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो हम लोग ने अपने थिएटर रिलीज कर लेते हैं। समय चले दो एक ट्रेन को डिपार्ट करते हैं। हमारी ट्रेन और हमारी ट्रेन क्यू से खुल चुके। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बैक सेवन बहुत से इंजन लगे हुए यहाँ। तो हम लोग लेट भी चल रहे हैं अपने टाइम से। जैसे कि पटना मेन्यू और कुछ एल एच भी कोचिंग लोगों में देखेंगे तो देखा है। यहाँ देखिए आई सी यू कोचेज एल एच बी बैप फोर बैप सेवन बैप फोर बैप सेवन कपलिंग सर एक डब्ल्यू बी है। ये कोई टैंकर है, उधर बॉक्स अपना टैंकर लगा हुआ है। मेरा पटना मेन्यू तो रोका गया है सर, इस गेट को पासिंग देगी हमें तीन जगह छोड़ने वाले हैं। मजा आता मैं थोड़ा सा ना वो व्यू कर रहा हूँ जहाँ से मैं ट्रेन को देखता हूँ ज़्यादातर। ये हमारी व्यू है ना, यहाँ बिल्कुल अपन सही पकड़ा है। ये हमारी व्यू है और हमारी लिमिट बढ़ चुकी है, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूँ। सामने से धुआं दिखी मुझे, आप लोगों को दिखी क्या सामने से धुआं? मुझे तो दिखी थी यार धुआं भी, वो देखिए धुआं। कोई डीजल लोकोमोटिव की ट्रेन आ रही है जिसे डीजल नहीं खींचा है। चलिए देखते हो कौन सी ट्रेन जो आने वाली है हमसे मिलेगी बहुत जल्दी। आजा टाटा फ्रैट टू। अच्छा ये फ्रैट टाटा से चल कर रही है, दूसरी फ्रैट है। पहले हमें शायद जयपुर से बाहर की ट्रेन मिली थी, दूसरी फ्रैट डबल बॉक्सर के साथ है। दोनों इधर और इधर देखिए, ओ हो वाह वाह क्या बात है। अरे तुम्हें ध्यान देते अभी तो राम राम सत्य हो जाता है। हम मिलते हैं बाद में, तब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। बात करते हुए सॉरी जब मैं पॉज करता वीडियो को प्ले करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग कुछ ही देर में जम्मू पहुँचने वाले हैं। यहाँ से ट्रेन से एक हाई स्पीड डालकर कुछ नहीं कर पाया और लिमिट उसमें लिमिट लगता हूँ तक मैं ट्रेन को टैबलेट पहुँचा सको। और एक ट्रेन आसन से गोरखपुर एक्सप्रेस यहाँ रुकी पड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे यहाँ रोका क्यों? मेरे आने का इंतजार कर रहे क्या? अरे भाई, अरे ट्रेन आ रही है सामने से। अच्छा तो उपासना एक्सप्रेस ने इस ट्रेन को ओवरटेक किया आसन से गोरखपुर को।
और ये देखिए उपासना एक्सप्रेस और हावड़ा से हरिद्वार जाती है आपका फर्स्ट ट्रेन है निकल पड़े और आसपास से गोरखपुर को भेजती कर दी वही ट्रेन में दो ट्रेन को भेजती की थी राजगीर हावड़ा फास्ट पैसेंजर को और एक पटना गया बिन्नी को और हम लोग 20 सेकंड लेट पहुंचते हुए ट्रेन यहाँ से खुलने को रही चलिए चलते हैं हॉर्न बजा देते हैं हरिद्वार ट्रेन तो हमारी खुल गई है मुझे खांसी हो गई इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है वैसे पहले मैं तबियत खराब था अभी तक फिर से मार दी ठंडा ने मुझे कुछ हथियार बंदे जो चलती ट्रेन पर चढ़ने का शौक है उनके लिए मैं वीडियो को थोड़े से रिव्यू में रखता हूँ उसके बाद मैं वीडियो पॉज कर दूंगा आप लोग मिलेंगे अगले स्टेशन झाझा में अगले बने रहिएगा बने रहिए अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ी कहाँ है ये देखिए जमुई मैं देख चलो प्लेटफॉर्म पर छोड़ेगी ट्रेन स्पीड लिमिट भी बढ़ाने पड़ेगी उस टाइम 40 के तो आ गए थे लेकिन दिखा नहीं दे रही अपडेट ना लेट से होता है क्योंकि डिक्रीज करने वाली अपडेट तुरंत होती है लेकिन इंक्रीज करने वाली अपडेट ना लेट से होती है नॉट द गुड थिंग यहाँ से ट्रैक्सिंग रिटर्न पे देखिए तो हमारे महानस आदमी चलती ट्रेन में चढ़ नहीं कर रहे थे उम्मीद करते हैं वो ट्रेन पर चढ़ गए होंगे अब चलिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ और हम मिलेंगे अपने अगले सेशन झाझा में तब तक के लिए आराम कीजिए अलार्म दे दिया जाएगा झाझा पहुँचते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हम झाझा से करीब 2.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे लेकिन झाझा की खूबसूरती हमें यहीं से दिख रही है ये देखिए कुछ बिल्डिंग्स मुझे दिख रहे हैं ऐसा रेलवे ट्रैक भी बिछा हुआ हमारी गेम लैग हो रही है इस चीज का कारण ये है कि यहाँ तो मैंने इतनी कंसिस डाली है इतनी कंसिस डाली है जिससे कोई उपाय ही नहीं है जिस पोजिशन पर गेम है उसी पोजिशन पर गेम रहेगी नो इन चेंजिंग इन द कैमरा व्यू बस मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ कंसिस्ट है ये देखिए आपको इधर दिख रहे हुए कंसिस्ट क्या क्या दिख रही है एक डीजल इंजन लगी हुई है बैक पाइप भी लगी हुई है एक डीजल इंजन एक लंबी सी ट्रेन आपको दिख रही लगी हुई है ये देखिए जो आई से प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है एक यहाँ पर कोई इंजन होगी सॉरी मैं वो दिखा नहीं सकता यहाँ देखिए आई सब कुछ है जो कि पहले से दी गई है एक इंजन भी स्टैंड में लगी हुई है यहाँ देखिए WDM और एक यहाँ भी कोई इंजन लगी होगी अब देख लीजिएगा आपका अगर आपका अच्छा होगा रैम तो यहाँ देखिए इंजन लगी हुई है अब मैं ट्रेन को रोक तो लूँ देख रहे हैं आप इधर शट गेम दीजिए
WAP5 WAP4 कपलिंग, WDM3 है, इधर आपको टैंकर दिख रहा है, एक और WAP4 मुगलसराय की, देवरथ की कोचेज भी देखी थी मुझे, और मुझे यहां से खुलने का सिग्नल भी दे दिया गया। कोचेज हम यही देखेंगे, दुरंतो के कोचेज भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए, ये देखिए। और जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, एक यहाँ गरीब रथ की कोचेज आपको दिख रही है, उसके बगल में आपको कुछ ICF की कोचेज दिख रही होगी, हम सफर की भी कोचेज है यहाँ पर सामने देखिए, तो हम सफर दिख रहा होगा। ये देखिए गरीब रथ ICF कोचेज हम सफर, और ये AC एक्सप्रेस हमारे ओल्ड राजधानी के भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट थे। आगे मैं आपको LHB कुछ लगे हुए दिख रहे वहां पर कुछ कुछ लग रहा है कि रियल झाझा में है, मुझे तो लग रहा है यार, इतने तो कोचेज डाले, अब क्या डालू, क्या डालू, मैं तो गंभीर करेगी ना, सब कुछ देख कर करना है यार। हमारी ट्रेन झाझा से निकल चुकी है, यहाँ पर भी ICF कोचेज दिख गए, दुरंतो के भी कोचेज है, वाह झाझा में तो बहुत सी कोचेज है, अलग सस्ते में कोचेज है, सर झाझा में ना मोस्ट ऑफ द ट्रेन इस रूट में जाने में सारी राजधानी है, और एक दुरंतो शालीमार पटना दुरंतो और एक हावड़ा राजधानी, यही दो ट्रेन है जो कि इस रूट में शायद नहीं रुकती होगी, नहीं रुकती है, दोनों नहीं रुकती है, बाकी मैक्सिमम ए टू जेड ट्रेन यहाँ रुकती है, दैट नॉट पिक सिटी, झाझा में बड़ी शहर नहीं है, यहाँ टेक्निकल स्टॉपेज होती है, क्योंकि हर एक ट्रेन की इंजन टू इंजन यही चेंज होती है, और ये एक जगह है जहाँ मतलब कि ट्रेन की ब्रेक चेक होती है हर एक ट्रेन की। यहाँ देखिए आपको जनशताब्दी कोच दिख रहे होगी, और सामने से हावड़ा पटना जनशताब्दी आ भी रही है, गजब हो गया भाई, और मेरी स्पीड तो देखो यार, और ये देखिए हावड़ा पटना जनशताब्दी, हाँ इधर हो जा, हावड़ा पटना जनशताब्दी क्या हाल है, पूरा फास्ट ट्रक हावड़ा जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रक मात्रा में दुरंतो से भी फास्ट चलती है, उससे ज़्यादा स्टॉपिंग भी है। चले और हम मिलते हैं सिमुलतला में, तक के लिए आराम कीजिए, या हमारे इंटेलिजेंट लोग अच्छा चढ़ गए, चढ़ गए, आराम कीजिए, तब तक मिलते हैं हम लोग तो मुतल्ला में, एलाफ दे दीजिएगा भेजने का यार। आप लोगों को सामने धुआं दिख रही होगी, ट्रेन के नाम भी दिख रही होगी, हावड़ा पराइट जो कि आने वाली है, हॉर्न दे देते हैं, ओहो आवाज भी है, क्या धुआं निकाला है इसने तो यार, ओ हो सन ट्रेन जा रही है। चलिए ट्रेन तो गई अपनी मंजिल, जहाँ से जानी होगी हावड़ा से चलकर कहीं जाएगी, हम लोग पहुँचे हैं अभी सिमुलतला नहीं पहुँचे, सिमुलतला पहुँच कर मैं वीडियो रिज्यूम कर दूंगा, पॉज कर दो और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से लाइटिंग दे रहे हैं कि आप ट्रैप चेंज कीजिए, मर रहा है क्या,
इंडिया के पब्लिक का बिना। और यहाँ से ट्रेन अपनी ट्रैक को चेंज की और देख सकते हैं आप ट्रैक चेंज हो रही है या ट्रेन ऐसे से ऐसे हो गई, तिरछी से सीधा हो गई। ये ट्रैक चेंज तो पटना में हुई थी, खाट 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 9 से 1 पर चल गई थी ट्रेन। हम लोग 0.4 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर। हम लोग सुमतला को जब पहुंच जाएंगे, पहुंच गए हैं, खड़ी हो रही है ट्रेन, आ चुकी है पर खड़ी हो रही है। एक मैसेज, स्टॉप एट सुमतला फॉर ओवरटेकिंग ऑफ ट्रेन नंबर इतना मिथिलांचल एक्सप्रेस 13156 मिथिलांचल एक्सप्रेस, हमें यहाँ से ओवरटेक कर गया, हमें तो सिग्नल से मतलब है। चले मैं ट्रेन को रोक देता हूँ। सिग्नल रेड हो गई, सिग्नल पे उसने रेड दे दिया यार, 5 मिनट का स्टॉपेज भी दे दिया है। ट्रेन का कोई आ रही है? चलिए 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर, सिग्नल रेट है, कोई ट्रेन ओवरटेक करेगी। जब ट्रेन ओवरटेक करने के रहेगी मैं वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा, तब तक के लिए पॉज करता हूँ। पता नहीं ट्रेन जहाज़ से खुली है कि नहीं खुली है। चलिए तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जैसे ट्रेन सुमतला से निकलेगी आने के रहेगी मैं वीडियो रिज्यूम कर दूंगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने वीडियो पॉज किया, मुझे स्मोक दिख गई, देखिए सामने से स्मोक आ रही है। तो ट्रेन तो आ चुकी है मुझे ओवरटेक करने के लिए, लेकिन मैं स्टॉपेज 41 तक क्यों दी है? दिए तो रुकना पड़ेगा, हो सकता है ट्रेन आगे तक जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेन आ रही है, दिखा ये देखिए, देखा ट्रेन ट्रेन आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, उससे आते आते लगता है 40 हो जाने यार। ये ट्रेन नजदीक आ गई तो मैं रिज्यूम कर दूंगा, मैं पॉज करता हूँ, ट्रेन बहुत दूर है। वैसे ट्रेन तो लगता है पास आ चुकी है, पा धीरे धीरे पास आ रही है। धीरे धीरे पास आ रही है, देखिए धीरे धीरे ट्रेन पास आ रही है हमारी। ट्रेन पास आ गई, धीरे धीरे दूर जा रही है, शायद इसकी यही थी तमन्ना, ये तो ट्रेन मुझे रोक कर आगे निकल गई है। इस ट्रेन ने हमारी बेइज्जती कर दी, 2 मिनट 30 सेकंड तक का स्टॉपेज है। मैं वीडियो को 15 सेकंड में शुरू करूंगा, तब मैं रिज्यूम कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ट्रेन आगे जा चुकी है, 2 मिनट बाद में वो ट्रेन खुलेगी, तक बैठ कर बादाम दाना खाइए ट्रेन का, वीडियो रिज्यूम कर दूंगा। झालमुरी बेचती है बहुत फेमस है झालमुरी। चलिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेन 10 सेकंड बाद खुलेगी, वो जैसा मैंने ब्रेक को 0 कर दी थी और ब्रेक ऑटोमेटिक रिलीज हो गया, मुझे ध्यान है कि ट्रेन से आगे चल रहा है, मैं ट्रेन को रोक दिया। मैं ब्रेक को रिलीज कर देता हूँ और ये 40 चलिए बता कर। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में आपकी ट्रेन नंबर 1621 पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुल चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुल चुकी है। पाटली चलिए आगे सफर तय करने, और हमारा अगला स्टॉपेज है जसीडीह, जो कि यहाँ से 6 मिनट की दूरी पर है। चलिए अभी कुछ मराठी लोग चलते ट्रेन पर चढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
चार्जर। ये देखिए हमारे गार्ड साहब भी खड़े हैं। अरे अरे भैया, ये पुलिस भी खड़े हैं। ये लगता है झालमुरी बेच रहे हैं, ये भी बेचने वाले। ये भी भैया देखे चाय वाले, ये अपना कितन चला के आराम कर रहा है। बहुत चाय भेजिया। ये गार्ड साहब जी फिर से खड़े मिल गए हमें। वो बहुत पसंद है रसी मतलब में यार, इसमें तो मैंने रियल लाइफ में उस मतलब में रहते हुए पसंद है जितने यहाँ देख रहा हूँ। फिर से वही फोटो रिपीट कर गई यार। एक ही आदमी बहुत जगह खड़े, तीन जगह पर खड़े। चले हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिए, मिलते हैं जसीडी में। तब तक लोग आराम कीजिए, आराम दे दीजिएगा घूमने तो। चलिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सामने से ट्रेन आ रही है जिसका नंबर है 13105 यालदा बलिया एक्सप्रेस। आइए शालदा जी। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। आइए ट्रेन देखिए चल पड़ी मुतल्ला। इसके स्टॉपेज है ज़्यादा, मुझे पता है मुतल्ला में ट्रेन रुकती है यार। लास्ट में तुरंत तो पहुँच गई। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। आगे मिलेंगे दूसरे सिटी में, आराम कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुँचने वाले हैं। मैं अपने स्पीड लिमिट कम कर लेता हूँ, जिनका आगे ट्रैक चेंजिंग है। देखिए लाइटिंग बता ही रहे आगे से ट्रैक चेंज करने वाली ट्रेन। देखिए ये देखिए, अब सीधा हो जाएगी ट्रेन, क्या बात है। सिटी प्लेटफॉर्म में ट्रेन इन कर चुकी है। 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सॉरी 0.4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और आगे देख रहे होंगे सारी ट्रेन रुकी हुई मुझे नजर आ रही है। पोस्ट ट्रेन है यार, कंफर्म बोल सकता हूँ, चाहे तो लिख ले लो। जसीडी रामपुर हाट पसंद ट्रेन जसीडी से रामपुर हाट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हम लोग ने बहुत ही अच्छे खेला और हम लोग जसीडी मेन हट्स में से 16 सेकंड पहले पहुंच चुका हूँ। यहाँ मुझे मिली जसीडी रामपुर हाट पैसेंजर जो कि प्लेटफॉर्म नंबर, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बदलती हुई। दरअसल बात यह है कि ये जिस प्लेटफॉर्म पर रुके ट्रेन वो एक है, इसके बाद जो आप इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और ये 3 है। इधर के सारे प्लेटफॉर्म आपको दिख रही इसके उस साइड नहीं दिख रही है। इधर इधर भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये 3 है और इधर 4 और 5 है, जिस जो कि देवघर बासुकीनाथ दुमका के रोड को जोड़ती है। चले बात है बात मोदी ट्रेन चुका। ट्रेन तो भाई हॉर्न देते हुए खुल चुकी है और हमारी अगले स्टॉपेज रामपुर हाट है, जो कि यहाँ से लगभग 6.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ आने में तो समय लगे, कि आप देख रहे होंगे जसीडी रामपुर हाट पैसेंजर रुकी हुई है। इसके प्लेटफॉर्म बदल रही है, और हमारी ट्रेन जसीडी से खुल चुकी है। तो हमारे मराठी महाराठी लोग
चलते 3 बजे चढ़ते हैं, वहीं देख ले एक बार। यार लगता है इंडिया में सब आइडियल ह्यूमन बींग्स हो रहे हैं, कोई भी नहीं चढ़ रहा है, चलती ट्रेन से सब खड़े खड़े देख तमाशा देख रहे हैं। और हमारी ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगी। चलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, हम लोग मिलेंगे रेलवे स्टेशन मथुरा में। हाँ हाँ मैं नाम दे दूँगा ट्रेन आप लोग, चलिए पॉज करते हैं। और मथुरा पहुँचने से पहले हमें एक ट्रेन मिल चुकी है जिसका नंबर है 1332 रांची देवघर वैद्यनाथ नाथ धाम एक्सप्रेस, लग रही है। ओ मेरी लिमिट, देखिए वैद्यनाथ धाम उसको जा रही है। जब मैंने लास्ट टाइम इस रूट में आया था तो जस सिटी से चितरंजन तक या फिर सीतारामपुर जंक्शन तक मैं डबल लाइन ही देखी थी, ये 4 लाइन का कॉन्सेप्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए जो भी हो मिलते हैं मथुरापुर में, वो तो ट्रेन आ गई तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, चलो वो ट्रेन देख लो, चलिए मिलते हैं मथुरापुर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, और दरअसल मैंने बीच में ना स्पीड लिमिट को थोड़ी सी बढ़ा दी थी, हमारी ट्रेन 95 पर चल रही थी, स्पीड लिमिट 80 की थी, जिसका नतीजा ये मिला हमें कि अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो मैं बता रहा था कि मेरी ट्रेन की जो थी थी क्या उसको बोलते हैं लिमिट, वो मैं थोड़ी सी बढ़ा दी थी, लिमिट ही 80 किलोमीटर 95 पर चल रही थी, इसका नतीजा कि मैं थोड़ा सा पहले मथुरा पर पहुंच गया। तो जैसे जैसे मथुरा के बीच में जो मैंने डाली थी टाइमिंग, सॉरी जैसे जैसे आगे तक की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, पीछे थोड़ी सा गड़बड़ाई थी लेकिन आगे तक टाइमिंग परफेक्ट थी। दिस माय मिस्टेक सो दैट ट्रेन अराइव अर्लियर, बट नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन रेलवे दैट ट्रेन अराइव अर्लियर फ्रॉम इट्स एक्चुअल टर्म सो दैट पैसेंजर doesn't get more difficulty while they up or down from the train. Okay, we are releasing our brake here. फिर लेट हुआ या जैसे कम पहले कर देना चाहिए थे यार। चले मैंने हॉर्न मार दिया, ट्रेन खुल भी चुकी है, ट्रेन पहुंचा तो पहले लेकिन खुला लेट, चले कोई बात नहीं। 130 की तो लिमिट है लेकिन आगे ट्रैक चेंज है तो मैं अपनी ट्रेन को 40 ज़्यादा स्पीड करने वाला नहीं हूँ, मारथी लोग पर चलने देते हैं चलती ट्रेन में। और जो ट्रेन के स्टॉपेज है अगले वो मुझे मधुपुर जंक्शन दिख रही है जो कि यहाँ से 5-1 में है। ट्रेन ने अभी अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ा भी नहीं है, मैं 5-1 जोड़ रहा हूँ। ट्रेन जा रही है जा रही है, पब्लिक नहीं है जो चलती ट्रेन पर उतरे, यहाँ पुलिस सन्नाटा छा गई है। चलिए कोई बात नहीं है, लिमिट 180 की तो मैं क्यों स्पीड कम रखूँ, मैं भी थोड़ा कम रहता हूँ। चले अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म में खुली है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग मधुपुर जंक्शन, तब तक आराम कीजिए, अलार्म कंफर्म दे दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और ये तो नज़ारा है मिथिला एक्सप्रेस, पुल भी ब्रिज भी मिथिला एक्सप्रेस भी, हमारी ट्रेन भी इसकी ट्रेन भी, देखिए मिथिला एक्सप्रेस जा रही है, देखिए चल गई हमारी ट्रेन भी जा रही है। और दिखे आपको यह ऊपर है, चोट लग रहा है, बच गया जा।
चलिए तो अभी मिलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन ट्रेन नंबर 161 मधुपुर पहुंच चुकी है। यहाँ कुछ खूबसूरती को देख लीजिए, बड़े बड़े बिल्डिंग, ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग यार, या एस एफ कोचेज, LHB कोचेज लगी हुई है। और यहाँ पर कुछ और भी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, ट्रेन को रोकना भी है, बहुत से काम है। और ये एक ट्रेन रुकी है जिसका नाम है आसनसोल जर्सी डीम मेन्यू। सामने एक इंजन भी लगे हुए देख लो, आप लोग को देखिए क्या, मुझे तो दिख रही है, देखिए वो इंजन लगा हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ 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 यहाँ, ये देखिए इंजन को देखिए ना। ये कुछ ट्रेन है, ये आसन से जैसे मेनो को रोक दिया गया है। और हमारी ट्रेन खुल चुकी है मधुपुर जंक्शन से। और ये देखिए ये टर्मिनेट ट्रेन है, क्या ना कि मधुपुर जंक्शन से गिरधौल के लिए, गिरिडीह के लिए तो कुछ कुछ ट्रेन होती है जब मधुपुर में टर्मिनेट कर जाती है, जो कि गिरिडीह रूट में जाती है, तो उसे मैंने स्टेटिक से शो किया कि वो ट्रेन टर्मिनेट कर चुकी है। उस ट्रेन कहाँ जाए कौन जानता है, मैं से उसका नाम तो नहीं दे सकता। ये ट्रेन जो कि जस सिटी तक जाएगी तो मैं उसका नाम दे दिया। हमारा ट्रेन धीरे 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 खुल रही है। और कुछ मराठी लोग जो कि चलते ट्रेन पर चढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा तो रुकी था। वो पैसेंजर यहाँ भी है, देखिए पैसेंजर तो बहुत है यार, अच्छे से पैसेंजर है, लेकिन झुकी हुई है पुलिस, कुछ बैठे हुए भी हैं। मतलब तो बहुत बड़े जंक्शन है यार, यहाँ बहुत से ट्रेनों को शौकी भी है, यहाँ तो रहेंगे रहेंगे। चलिए हमारी ट्रेन मधुपुर छोड़ चुकी है, अब हम लोग मिलते हैं विजयसागर में। तरफ आराम कीजिए, झालमुरी लाइस फिर तो पापड़ी, बहुत सी चीज़ आती है रूट में जिसको मजा लीजिए। इस रूट की फेमस आपको है तो वही है, जब से बोलते हैं झालमुरी बहुत फेमस है रूट की, आइए पीजिए बताइए। हम विजयसागर पहुँच कर आपको लाभ दे देंगे, टेक रेस्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से ट्रेन आ रही है, का नाम है आसनसोल फ्राइट। और यह आसनसोल फ्राइट है, यहाँ से निकल गए आसनसोल फ्राइट। किस तरह पहला में पटना जैसे पास मिलता है, दूसरा खतुआ में रुकी थी, तीसरा में यहाँ पर मिली। तो यह आसनसोल फ्राइट है जो कि जा चुकी है अपने आगे के सफर के साथ, यहाँ पर जा चुकी है आसनसोल फ्राइट को। और अब यहाँ से भी देख सकते हैं आसनसोल फ्राइट को वीडियो में। चलिए मिलते हैं विजयसागर में, जैसा कि मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन विजयसागर पहुँचने वाली है, और आगे से ट्रैक चेंज में तो मैं अपनी स्पीड को 40 कर लेता हूँ एज यूजुअल। आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन कैसे ट्रैक चेंज करेगी, जो ये घूमी यहाँ से और ये घूमी यहाँ से, और ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। और हम विजयसागर अपने टाइम से पहुँचने वाले हैं 35 2000। दरअसल एक गलती हो गई यहाँ पर, हमारी ट्रेन विजयसागर में 17:08 पर पहुँचेगी और 17:35 पर खुलेगी, तो यहाँ पर डिपार्चर टाइम मेरा टाइम सेम हो गया। सो माई मिस्टेक, मैं सीधा आगे सुधार दूंगा, तो समझ लीजिए। हमारी ट्रेन विजयसागर पहुंच चुकी है। और ट्रेन थोड़ी सी प्लेटफॉर्म के बाहर ही रह गई।
हमारी ट्रेन विद्यासागर पर लास्ट टाइम पहुंच चुकी है। ये देखिए पिछले भी प्लेटफॉर्म तो से बाहर ही रह गए, स्टैंडर्ड ऑफ में कर देता हूँ। ट्रेन की डिपार्चर टाइम हो चुकी है और हमारी ट्रेन विद्यासागर से उतरना उतर गए, उतर गए। अच्छा चलते हुए चढ़ना हो चढ़ जाइए, चलते हुए चढ़ते नहीं ये लोग क्योंकि सबको करने को बहुत जल्दी रहती है। लगता है कितना जल्दी अपने डिस्टेशन पहुँच गए, पार्टी की ट्रेन में बहुत लेट लगती है, बहुत स्लो चलते हैं। बट मैं आपको बता दूँ पार्टी ट्रेन अड्डे पटना का सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन हो सकती है, बहुत अच्छी ट्रेन। और आप देख सकते हैं पाटली एक्सप्रेस हटिया पटना, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं और इस व्यू से भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा घुमा दिया इसने आपको हमारे, हमारी ट्रेन विद्यासागर छोड़ने वाली है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ट्रेन विद्यासागर छोड़ चुकी है। हमारे महाथी लोग जो भी चलते ट्रेन पर चढ़ते हैं वो लोग भी चढ़ गए होंगे। जैसा ये रिक्शे की है, अगर हल्का सा आपको पैर पिछल जाएगा तो सीधा आराम उठ सकते हैं, हाथ छूट कर आराम सकते हैं। तो चलिए हमारी ट्रेन स्पीड लिमिट में बढ़ा लेता हूँ, लोग अब सीधा मिलते हैं जी जहाँ जाना है जमतारा। अब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए, ट्रेन लोग बेचना खाइए पीजिए सुतिए जो करो करिए, आसपास के अंदर लोग सीट की बात कीजिए लेकिन सावधान, इससे भी पढ़ाए मनुष्य के वस्तु को न खाए। चले आपको जमतारा में अलार्म दे दीजिएगा, तब आराम कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने से ट्रेन आ रही है। अरे यार हावड़ा आसनसोल पंजाब से हावड़ा से चलकर अमृतसर को जाती है भाया लखनऊ सहारनपुर अम्बाला कैंट। ऊपर से ट्रेन रखने तक मैंने लिमिट बहुत क्रॉस कर दी थी, मुझे ध्यान नहीं गए इसके लिए सो सॉरी। यार यार क्या हो रहा है। चलिए हम मिलते हैं आपसे जमतारा में, मैं जैसे लिमिट को कंट्रोल कर लो मिले जमतारा में, उसके तो लिए आराम कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन जमतारा पहुंच चुकी है और थोड़ी सी स्पीड लिमिट कम होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मुझे, पर लगता है ट्रेन रुक जाएगी यहाँ पर दिल्ली में। हमारी ट्रेन थोड़ी से लेट आई, थोड़ी तो बहुत लेट आई। अब मैं स्पीड के साथ छिड़खानी करूँगा ताकि हमारी ट्रेन टाइमली पहुँच सके जमतारा। एक जिला है जो कि दुमका से अलग हुआ, मैंने आपको दिखाया था दुमका जाने का रूट, जैसे जैसे कट जाती है देवघर बैनाधाम देवघर बैनाधाम दुमका निकल जाती है, तो उसी जिला से हटती है जमतारा जिला अलग बनी है। बहुत कम ट्रेन रुकती है फिर भी,
पटना जनशताब्दी, पटना हजार शताब्दी जो हमें झालर मिले थे उसके यहाँ स्टॉप पे दी गई। हमारी ट्रेन खुल चुकी है जमतारा से, जैसा हम देख रहे होंगे। और कुछ मराठी लोग जो कि चलते ट्रेन में चढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए हम सोचा कि रुक जाते हैं। यहाँ भी ट्रेन ऑटो प्लेटफॉर्म थी यार, बहुत छोटी सी प्लेटफॉर्म बनाई जा रही है। अब मैं पैसेंजर को देखूं कि आगे लगे ट्रेन को देखूं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो पैसेंजर से हट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं ड्राइवर है, ये देखिए हमारी कैब व्यू मैं आपको दिखा दिया है, स्पीड दिखा रही है। देखिए ट्रेन जो कि यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर कोयला है जिसके कारण एक माल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोयला लोड हो रही है। अच्छी बात है, लोग धनी भी चाहिए। कोयला भरे पर यार वहाँ से कोयला उठा था, कोयले पर तो पहाड़ खड़े कर दिए लोगों ने। ये देखिए हमारे कोयला के खदान, चलिए मैं आपसे मिलता हूँ आगे चित्रंजन नेता में। तो तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ, तब तक आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, लोगों से बात कीजिए, सफर काटिए। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रेन गंगा सागर एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है। गंगा सागर एक्सप्रेस जा रही है 13185 हमारी ट्रेन भी रास्ते में नहीं है, ये भी जा ही रही है। हाँ चित्रंजन गंगा सागर तक चल गई, हम लोग चित्रंजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ चित्रंजन में, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, बने रहे हमारे साथ। मैं पता रहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग चित्रंजन पहुँचने वाले हैं। चित्रंजन आपको पता है चित्रंजन में क्या है, बहुत खास बात दरअसल इंडियन रेलवे की कुछ कुछ लोकोमोटिव चित्रंजन में भी कंस्ट्रक्शन होती है। इंडियन रेलवे बहुत से लोकोमोटिव चित्रंजन है। इंडियन रेलवे को इस वक्त बैक पाइप की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के दी है क्या सुबह लोकोमोटिव जो कि इंडियन ट्रैक पर 200 किलोमीटर की स्पीड पर चलेगी। और उसमें सिग्नल दिखाने के लिए आपको झंडे की नहीं उसमें लाइट की सुविधा दी गई जिससे कि आप सिग्नल दिखा सकते ट्रेन पर। और हमारी ट्रेन टाइम से बहुत पहले जी नहीं टाइम से थोड़ी लेट ही आई है ट्रेन, ज़्यादा लेट नहीं आया यार, मात्र मात्र 7 इतने लेट तो चलते हैं, सेकंड में लेट है, मिनट तो सही है ना, काफ़ी है। अच्छा बोले चित्रंजन में यार ट्रेन मिनट हो गया, ज़्यादा भूल नहीं पाऊंगा चित्रंजन का। देखिए देखो मैं बोल रहा था कि चित्रंजन में ना इंडियन रेलवे की लोकोमोटिव बनती है, इस वक्त चित्रंजन ने एक बैफा लोकोमोटिव दी है जिसमें सर डायनेमिक ब्रेक सिस्टम और उसकी जो व्यू है वो 45 डिग्री दी गई है, जैसे कि कैब व्यू जो ये आप देख रहे व्यू ये 90 डिग्री है, ये लेकिन 45 पर दी गई है जिससे कि पैसेंजर को देखने में आसानी होती है। सॉरी ड्राइवर को वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें डायनेमिक कौन सी ब्रेक पर काम करती है और वो इंडियन ट्रैक पर 200 किलोमीटर स्पीड पर चलेगी, तो बहुत बड़ी बात अच्छी डायने में होगी। लेकिन हमारी ट्रैक 200 किलोमीटर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अभी तो वो 200 पर नहीं चलेगी लेकिन बाद में जब हमारी ट्रैक सुधरेगी तो 200 किलोमीटर तक चलेगी लोकोमोटिव। चलिए चित्रंजन से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने अगले स्टेशन आसनसोल जंक्शन के लिए। कुछ हमारा दिल सॉरी कुछ मराठी लोग ट्रेन पर चलते ट्रेन पर चलना पसंद करते हैं, उनके रुकना तो पड़ेगा नहीं यार, तबीयत खराब होने के कारण मैंने अपने काम में थोड़ा लेट हो गया था। काम मेरे बहुत पहले कर जिस टाइम मैंने पार्ट वन डाले थे उस टाइम मैंने इसे पूरी डाल दी थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मैं फिर से काम नहीं कर पा रहा उस पर। हमारी ट्रेन खुल चुकी है, अभी प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं किया, यहाँ से ट्रेन ट्रैक चेंज भी कर रही है।
ये देखिए, और हमारी ट्रेन खुल चुकी है चित्रंजन से अब फैमिली स्टेशन आसनसोल के लिए। आप लोग हमें वीडियो पॉज कर दूंगा कि हम आसनसोल खोलेंगे, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आराम से सीट पर बैठिए, विश्राम कीजिए, क्योंकि आज टिकट चेक करने के लिए, अगर टिकट नहीं होगा तो फाइन भरने के भी रेडी रहिएगा, क्योंकि यहाँ टिकट कंफर्म चेक करने आएगी बच के बाबा। चले हमें वीडियो पॉज करो, आप लोग मजे लीजिए सफर की, मैं ट्रेन चलाता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा सामने से ट्रेन आ रही है विभूति एक्सप्रेस, हावड़ा से अलाहाबाद पर जाती है सुपर फास्ट ट्रेन 1233। ये ट्रेन पटना से सीधा फतमा रुकती है, विभूति एक्सप्रेस अपने फुल रफ्तार में सामने से गुजर रही है, जैसे हम लोग आए उधर जा रही है। चले तो कैब भी आ गया, ये देखिए कैब भी, मैंने वो कैब भी दिखाई दिया था पार्ट वन, तो पार्ट वन देख लीजिए तब गुजर उधर से रहेगा। चले मिलते हैं हम लोग आसनसोल में, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वीडियो पॉज कर दो, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर एक मैसेज आया है, डिक्रीज स्पीड टू 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें अपने अपने स्पीड को 40 किलोमीटर पर करना। चलिए कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो रिज्यूम एंड क्लोज बॉक्स, 40 स्टॉप एट दिस स्टेशन फॉर ओवरटेकिंग ऑफ ट्रेन 1526 दरभंगा हावड़ा बिक्री एक्सप्रेस एंड ट्रेन नंबर 13022 मिथिला एक्सप्रेस, स्टॉप योर ट्रेन विद इन 50 to 60 meter डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टेशन। अच्छा जो दिखा रहा है 0.3 किलोमीटर, हमें इसके 50-60 डिस्टेंस के विदिन में ट्रेन को रोक देना है। सो दैट ओवरटेकिंग ऑफ टू ट्रेन गेट, ओवरटेकिंग ऑफ टू ट्रेन, ट्रेन गेट अ स्टॉप बेट ओवरटेकिंग ऑफ टू ट्रेन। अच्छा हमें दो ट्रेन को ओवरटेकिंग के लिए हमें अपने डिस्टेंस को 50-60 मीटर की दूरी पर रखेगा एंड वेट फॉर 3 to 4 मिनट आफ्टर ओवरटेकिंग ऑफ फर्स्ट ट्रेन। साफ साफ यही कहना चाह रहा है कि हमें अपने ट्रेन को यहाँ पर दो ट्रेन ओवरटेक करेगी, ट्रेन का नाम आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर लिखा होगा दरभंगा हावड़ा बिक्री एक्सप्रेस मिथिला एक्सप्रेस, और हमें अपने ट्रेन को यहाँ पे 50 से 60 डिस्टेंस पर पहले रखना है, ये डिस्टेंस से 50-60 मीटर पहले रखना है। ठीक है, वेट फॉर 3 to 4 मिनट आफ्टर ओवरटेकिंग ऑफ फर्स्ट ट्रेन, और फर्स्ट ट्रेन ओवरटेकिंग के बाद हमें 3 से 4 मिनट रुकना भी है। तो हमें इस सिग्नल जो हमारा फर्स्ट सिग्नल है, इस सिग्नल के 50 से 60 मीटर डिस्टेंस के अंदर में रखना है और हमें 3 से 4 मिनट रुकना है ताकि फर्स्ट ट्रेन को सेकंड ट्रेन ओवरटेक कर सके। तो चले आगे देखते हैं क्या होता है, मैं ट्रेन को रुकूंगा निकालने में, अभी ट्रेन को बढ़ते देखते हैं थोड़ा दूर
ग्रो किया है। ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगी, आगे का सिग्नल में देख लो कि इस ट्रैक की सिग्नल की रेड ही दी हुई है ना, मुझे तो यहाँ से रेड दिख रही है। देखते क्या होता है, कोई ट्रेन पीछे से आ रही है, दिख तो नहीं रही है। और यहाँ पर देखिए सामने लगी हुई है सीतारामपुर जंक्शन। सीतारामपुर जंक्शन है, जंक्शन तो छोटी कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से जो रूट कटती है ना वो बहुत अच्छी जगह रूट कटती है, बहुत छोटे स्टॉपेज बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सीतारामपुर जंक्शन से बहुत सी बड़ी ट्रेन गुजरती है, जिसमें धनबाद रूट का भी सुना होगा। तो आसानसोल से धनबाद को जोड़ने वाला रूट जो है जंक्शन, वो यही जंक्शन है सीतारामपुर जंक्शन। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेन तो आ रही पीछे से, ये देखिए ट्रेन तो आ रही कंफर्म। पहले कौन से ट्रेनों को टेक करेगी ये देखता है। यार मेरा वीडियो भी बड़ा बन रहा है, कोई ट्रेन आ भी नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे। देखिए ट्रेन आ गई, लेकिन सामने देखिए एक ट्रेन तो आ रही है सामने से, पर एक कौन सी ट्रेन आ रही है ये नहीं पता। ये ट्रेन है हावड़ा बिकली 15236 दरभंगा हावड़ा बिकली एक्सप्रेस। तो ये बिकली ट्रेन है, हर एक सप्ताह में एक दिन चलती है, आज से आज ही के दिन चलनी थी क्या यार। आगे सिग्नल ग्रीन होगा इसके लिए, जी हाँ बिल्कुल, दरभंगा हावड़ा बिक्री जा रहा है, मेरा ट्रेन को रोक कर जस्ट मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे रोक कर खुद आगे निकल गया। इसे कहते हो ओवर टेकिंग, टेकिंग कर देंगे मुझे, कोई बस मसला निकालेंगे करेंगे। और यहाँ पर दरभंगा हावड़ा बिक्री एक्सप्रेस हावड़ा की तरफ चले गई मेरे ट्रेन को बेइज्जती करते हुए। अपने मैसेज पढ़ा होगा, उसमें लिखा था वेट फॉर 3 to 4 मिनट आफ्टर ओवरटेक ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो मैं 3 से 4 मिनट के इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए मैं अपने वीडियो को पॉज कर दूंगा 3 से 4 मिनट, जैसी ट्रेन वो आएगी मैं वीडियो प्ले कर लूँगा। अब देखिए अभी 17:33:12 हुआ है, देखते हैं वीडियो प्ले किस टाइम होती है। ओके वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और मैंने 17:33 में अपने वीडियो को पॉज किया था। देखिए 17:35 में मिथिला एक्सप्रेस आ चुकी है, ये बहुत फास्ट ओवरटेक है, कितना ट्रेन है। और ये देखिए मिथिला एक्सप्रेस आ रही है, आ जा मिथिला एक्सप्रेस आ जा, मुझे रोक कर तू आगे निकल ही गया, तूने जो सोचा था वो कर ही गया, मिथिला एक्सप्रेस जा जा जा, मिथिला एक्सप्रेस जा जा जा, अभी तो आ ही रहे यार, आ जा आ जा आ जा, जब जा 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 ट्रेन को इस डेढ़ से क्रॉस करता हूँ ताकि मुझे आगे का सिग्नल पता चले। मैं ट्रेन को थोड़ा देर के आगे बढ़ाता हूँ, ब्रेक रिलीज, ट्रेन फॉरवर्ड, ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। ये देखिए आसनसोल धनबाद मिनियो सर, सारे मिनियो किया था 50-50 खरीदे, मुझे याद है मैंने इस मिनियो का कब पकड़ा था धनबाद से आसनसोल के लिए, नहीं वो गोमो आसनसोल मिनियो था, हाँ वो गोमो आसनसोल मिनियो था, मैंने गोमो से पकड़ा उसे आसनसोल से धनबाद से पकड़ा धनबाद से,
गुड़मोस आ चुकी है मुझे चार से जम तारा जम तारा में रहते थे। तो मैंने इस प्रकार का सोचा था जिससे मैं आंसू सोचू लोग दो ऑप्शन था तीन ट्रेन थी मेरे हाथ में कि इसके टाइम के बाद खुलने वाली वॉक कुछ ऐसा ट्रेन कितनी लेट हुई कितनी लेट हुई इतनी रोकी इतनी रोकी बात करी तीन तीनों ट्रेन छूट गए फिर मैंने बाघ पकड़ा उसे चितरंजन उतरा और उसके बाद फिर दुमका रांची जो बोकारो से आती है मैं बोकारो में रहता था बोकारो से मैं पहले आने के लिए ये दिमाग लगाने की चलते हनुमान बस से हॉस्टल पहुंचने को मेरा सब सौरभ के लिए चलाएंगे अवसर आ चुका सुबह दुमका रांची को बोकारो पकड़ लिया इस ट्रेन अरे हिंदू देखिए हमारे ये सिग्नल रेड है और आगे सिग्नल रेड है तो ये रेड ग्रीन का खेला होते रहेगा टॉपिक भी कर लिए तो मैं आपको देखिए चलिए तो नहीं एक बार रेड ग्रीन हो जाए ये किसी किसी ट्रेन आगे बढ़े कि सिग्नल मुझे मिलते रहेंगे तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ सीधा मैं आपसे आसान आसान समय मिलूंगा जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चलिए तो ठीक है मिलते हैं आसान समय तब तक लिए मजे मारिए ट्रेन पर बैठकर नकी कुमार ट्रेन से वीडियो पॉज कर रहा हूँ और जैसे कल देख रहे हैं ट्रेन से हमसे गुजर रही है जिसका नाम है हावड़ा दानापुर राजेंद्र नगर अच्छे हावड़ा राजेंद्र नगर दानापुर ये ट्रेन पहले दानापुर से करते थे हावड़ा अभी से राजेंद्र नगर से कर दिया और आगे ट्रैक चेंजिंग है तो स्पीड स्लो करने पड़ेगी लेकिन देख रहे हैं बैक सेवन लगे हुए है इधर अंतर कोचेज आपको दिख रहे होगी यहाँ पर ऐसे कोचेज आपको दिख रहे होगी यहाँ पर ये देखिए बैप फोर और बैप सेवन की कॉम्बिनेशन जो आपको क्यू में भी देखी थी ये देखिए ऐसे कोचेज यहाँ पर लगे हुए दिख रही है ये देखिए बैप फोर उधर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ ये देखिए तेजस की कोचेज वाह क्या बात है ओल्ड राजधानी ऐसे कोचेज हम सफर के जनरेटर कार अंतोदिया के कोचेज और ये जनरेटर कार ऑफ एलएचपी कोचेज क्या बात है यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको आगे देखिए एक बैक से बाद चलिए मैं वीडियो रिज्यूम कर रहा हूँ इधर भी देखिए कोचेज है उसका आगे दुरंत कोचेज रखे हुए ऐसी कोचेज ये देखिए बैक सेवन डब्ल्यू सी एम थ्री ये डब्ल्यू टी एम थ्री है शायद और यहाँ से मेरे ट्रैक चेंज हो गए पहली ट्रैक चेंजिंग टेक प्लेस ये डब्ल्यू सी एम थ्री है शायद मुझे याद नहीं है शायद वही नाम है डब्ल्यू सी एम थ्री है अपडेट इधर हो गई पीछे से देखता हूँ ये देखिए ट्रेन तो साफ जा रही है यार मैं रोक नहीं स्टॉप योर ट्रेन हेयर हमें अपने ट्रेन कहाँ रोकना है आफ्टर दैट अनकपल योर इंजन फ्रॉम कोचेज एंड गो नेक्स्ट सुभाष पॉइंट गो एट होना चाहिए यहाँ पर
हमें अपने ट्रेन को रोक देना है, उसके बाद हमें अपने इंजन को अनकपल करना है कोचेस से और हमें इस जगह पर जाना है। ये हमारा रिवर्स पॉइंट है, हमें इस रिवर्स पॉइंट पर जाना है। चलिए चलते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं। ये देखिए, ऐसे कुछ लगे हुए थे, पीछे में देखी थी एक मंडल डेली लगी हुई थी एलपीजी गैस की। चलिए मैं इंजन को कपड़ करता हूँ, बंद छोड़ो। इस ट्रेन ऑपरेशन को F9 से आती है और हमें यहाँ पर डबल क्लिक करने की ट्रेन इंजन से हट जाएगी। ट्रेन हट गई, ब्रेक को मैं रिलीज कर लेता हूँ। और ये देखिए, आपको आगे भी बहुत सब कुछ दिख रहे होंगे, आगे लगी हुई है। स्टॉप एट दिस रिवर्स पॉइंट, आफ्टर दैट स्विच योर इंजन इन रिवर्स मोड एंड गो एट नेट रिवर्स पॉइंट। हमें अपने ट्रेन को यहाँ रोकना है रिवर्स पॉइंट पर, उसके बाद हमें अपने इंजन को रिवर्स मोड पर स्विच करना है और हमें नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है रिवर्स पॉइंट पर। चलिए ठीक है, चलते हैं। वो देखिए, वहाँ भी आपको बहुत से कोचेज दिख रहे होंगे, ऐसे दिख रही है। मुझे उधर तो हम सफर दुरंतों भी दिख रही है, एक महानंदा एक्सप्रेस भी कोचेज दिख रही है। चलिए जो भी है, उतना दिन में जाना नहीं है, कोचेस को रेस्ट कर देते हैं। अब हमें इंजन को रिवर्स मोड पर करना है, ब्रेक रिलीज करना है, हमें नेक्स्ट रिवर्स पॉइंट पर जाना है। चलते हैं, ट्रेन चले जाएगी। बहुत से ट्रेन ऐसे जो कि हावड़ा से खुलते सीधा हम तक पहुंचती है। मैं आपको जाता हूँ, जहाँ पर मैं ट्रेन से आ रहा था जिसका नाम था उपासना एक्सप्रेस। उपासना हो गई, अकाल तख्त हो गई, दुर्गानी हो गई, नकला धाम हो गई, अरे बहुत सी ट्रेन, राजधानी बहुत सी हो गई। राजधानी तो हावड़ से तो धनबाद रुकती है, हावड़ा की राजधानी जो चलते भाग गया, वो हावड़ा से खुलते से धनबाद सीधा। और ये हमारी ट्रेन है, और यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है, उधर को ये फ्लाइट रुकी हुई है, दो दो फ्लाइट रुकी हुई है, एक एलपीजी गैस रुकी हुई थी जो शायद हमें वहां मिली थी, एक और फ्लाइट रुकी हुई है, और ये हमारी ट्रेन रुकी हुई है। चलिए चलते हैं, हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन आई नहीं, तो इसे बाहर रह गई, कोई बात नहीं। After a stop your engine, ट्रेन को इंजन का स्टॉप करने के बाद स्विच ऑन फॉर्मल मोड ऑफ इंजन एंड गो एट नेक्स्ट रिवर्स पॉइंट एंड कपल विद कोचेज। हमें इंजन का फॉर्मेट मोड ऑन करना है और हमें नेक्स्ट रिवर्स पॉइंट पर जाना है और कोचेज से कपल करना है। ऐसे में कोचेज कपल होगी, आफ्टर कपलिंग विद कोचेज रिमेंबर स्विच इंजन इन रिवर्स मोड। कपलिंग के बाद हमें कुछ बातों को याद रखना है, जिसमें पॉइंट वन है कि हमें अपने इंजन को रिवर्स मोड पर रखना है। उसके बाद लोअर डाउन राइज प्रोग्राम, जो फ्लाइट ऑफ राइज है उसको लोअर डाउन करना है, और जो राइज अप लोअर डाउन फोटोग्राफ, और जो फोटोग्राफ डाउन है
उससे राज अप करना है। सर कहने का मतलब यही हुआ कि ये पॉइंट अगर हमारी ऑन है तो इसे डाउन कर देंगे और इसे अप कर देंगे, और जैसे हमारी ट्रेन कोचे से कपल करेगी हम अपने ट्रेन को रिवर्स मोड में कर देंगे और हम लोग जो चंडी पार की तरफ बढ़ने वाले। जैसे पाते हैं कि इस एक जब मैंने सफर किया था तो ट्रेन के इंजन सेम इंजन चेंज हुई थी, लेकिन जब मैंने इंडियन इन्फो पर देखा था वहाँ पर देखा था कि पहले बैग 4 फिर बैग 5 मिलती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बैग 4 पे लगा दिया तो इसलिए रिवर्स मोड में जाना पड़ेगा। तो मैं आगे की बात करता हूँ, हमें ट्रेन को रिज्यूम करता हूँ और इन तीन बातों का ध्यान रखना है, रिवर्स मोड, फ्रंटोग्राफ और जो चंडी पार, हमें ट्रेन को रुकता हूँ। ट्रेन को फॉरवर्ड मोड को ऑन करना है, ब्रेक रिलीज कर देना है, और ट्रेन को मैंने फॉरवर्ड मोड ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं मोड फॉरवर्ड है और हमें अपने अगले रिवर्स पॉइंट पर जाना है, तो मैं अपने रिवर्स पॉइंट पर जा रहा हूँ। चलिए ब्रेक रिलीज कर देता हूँ, फॉरवर्ड मोड में ऑन है और ट्रेन निकल पड़ी, क्योंकि इसमें डायनेमिक ब्रेक सेटअप होती नहीं है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ट्रेन अब ट्रेन कट करेगी, यहाँ से इधर साइड होगी, ट्रेन फिर से इस साइड में ले लेगी। अब हमें कपल के बाद कुछ पदों में पहला पॉइंट है कि हमारी इंडियन रिवर्स मोड आ चुकी है, तब बटे के रिवर्स मोड हमें इस पैडल को राज करना है। राज पैडल को पी डालो, तो सेकंड पैडल को राज करने के लिए स्विफ्ट प्लस पी डालो, राज का उसके बाद स्विफ्ट टेंट के टाइम हो जाएगी, टेंट को लेट हो चुकी है। और एक बात, मैं यहाँ से फुल जर्नी करने वाला हूँ, नो वीडियो पॉसिबिलिटी कर दूंगा पॉस बनी लेट के लिए कोई रियलिस्टिक लगे।
आगे प्रैक्टिस करने वाली है। प्रैक्टिस की आगे निकल चुके हैं दुसंजय पार की तरफ। इंजन को रिवर्स मत रखना, और लिमिट हमारी 30 की है, तो मैं 30 पर चल चला देता हूँ। चले मैं जो झंडे पर मिलता हूँ बीच में, अगर ट्रैफिक मिले तो मैं तुमको दिखा दूंगा। सर चले आराम कीजिए, एक लंबा सफर है, 20 किलोमीटर सबसे लंबा स्टॉप है जिससे वाले स्टेट की है। आप आराम कीजिए, जैसे ट्रेन जो झंडे पर पहुँचेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी लंबा सफर तय करना हो जाइए। और ये कोई जगह आज तो भी जहाँ हमारे स्टॉपेज पर नहीं है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पता ही है, कोयला भी है। आप देख सकते हैं तो यहाँ एक बैंक लगी हुई है, ये शायद एक गरीब रथ की कोशिश भी है, और इससे कुछ भी लगी हुई है। ये फ्लैट लगी हुई जिसमें कोयले के लिए, उधर दो इंजन WDP4 WDP3 भी है। तो हमारे ट्रेन कहाँ क्रॉस की अभी बीस जगह ध्यान नहीं गया, और सामने से ट्रेन आ रही है ब्रिटिश फ्लाइट, इलेक्ट्रिक फ्लाइट आ रही है, तो गोली बोली बन जाएगी इलेक्ट्रिक क्या है। दो WDP3 बुलडोजर सोने के लिए रसोईया कार बैठी मेरे ऑन चले मिलते चले अब हमें मिलते हैं जंगली पहाड़ में, तो चले आराम कीजिए। नीचे मुलाकात हो सकती है, सीटी आएंगे टिकट चेक करने इस जगह। और फिर से एक फॉर्म आ चुकी है, यहाँ पर बैठे नहीं रुकी थी, फॉरन मार्च से निकलती है लोग मीडिया लाइन से। अच्छा लग रहा है यार, लंबा जो तक ट्रेन चल रही है ना स्टॉप लग रहा है, हरे जनपद स्टॉप। और एक सामने से ट्रेन राजस्थान में बनांचल एक्सप्रेस 134 जैसे है, भागलपुर से रांची जाती है, रांची भागलपुर जैसे। और इसे WDP3 उठा रहा है, ये देखिए ट्रेन जा रही है। चलिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर मिलते हैं। और कुछ ही देर बाद आपको धुआं दिखा हुआ सामने, ये देखिए दिखा धुआं मुझे साथ दिख रही है, देखिए धुआं मतलब कोई ट्रेन आ रही है जो कि डीजल लोकोमोटिव उस ट्रेन को घींच रही है, रन कर रही है। देखिए टाटा फ्लैट 3, एक टाटा का तीसरी फ्लैट है, देखिए इस फ्लैट में क्या है भाई। और ये हमें टाटा के तीसरी फ्लाइट बैक टू बैक मिलते हुए, या इस पेपर में दिखी हुई कहते हैं। और ये तक सिंपल से हरा बोगी की फ्लाइट है, जो कि लंबे दूर तक हरा ही हरा दिख रहे हैं। एक और जैसा आते हुए अच्छा है जो भी हो
स्टेशन का नाम मैं सबको बताया जा रहा मेरा देखते तो चार नाम है किसने देखे क्या नाम है यार पिछले गुंडा पता है जो भी हो चलो मैं वीडियो पॉज करता हूँ मिलते हैं आगे अभी 9 किलोमीटर का दूरी तय करना है बच्चे आप से बैठे रहिए अरे एक ट्रेन बोकारो फ्रैंक मैंने इसे टाइम में बोकारो में रहता था ये बोकारो कैसे मैंने ट्रेन डालते बोकारो फ्रैंक नाम से जैसे कि गोमो बैग 9 देखे क्या अच्छी है अल्टरनेट कलर में डाला है मैंने रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू आप बोले थे ना और जैसा कि आप देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म नजर आ रही है इसका नाम मैं पक्का पढ़ूंगा चलिए कंपटीशन नाम पढ़ने की तीसरा प्लेटफॉर्म आने से सुना जो जिसमें नाम पढ़ पाया हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ मुरिडी मुरिडी नाम मुराडी होगा या मुरिडी होगा ऐसा कुछ होगा और यहाँ भी ट्रेन स्पीड में क्रॉस करिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है मुराडी मुराडी नाम यस मैंने पढ़ लिया क्या बात ना आप कुछ फायदे नहीं करना और जैसा कि आप देख रहे हैं एक ट्रेन और आ चुकी है इसका भी मैं नाम पढ़ू नहीं पढ़ूंगा और यहाँ एक दो दो चुकी हुई क्या इसका नाम है एक फ्लाइट यहाँ रुकी है और एक फ्लाइट राम नाम राम कालीन नाम था एक इंजन है एक फ्लाइट रुकी हुई यहाँ और सामने से ट्रेन भी आ रही है टाटा नगर छपरा एक्सप्रेस 1811 ये देखिए टाटा नगर छपरा उसको जा रही है बाय बाय और हमें प्लेटफॉर्म देखने लगे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है टाटा नगर छपरा भी जा रही है और हम लोग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो से लेट आए हम लोग और आगे से ट्रैक्शन होने में स्पीड घटा के 40 करने वाला हूँ ऐसा लेट इसलिए हुआ कि मैं अपने कॉन्स्टेंट स्पीड 80 पर आया हूँ 81 80 82 यहाँ से एक ट्रैक चेंज करेगी फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं अब फिर से चेंज करेगी सेकंड ये देखिए या और 0.5 किलोमीटर दूर पर हमारी मध्य स्थित है जैसे आप देख रहे हैं एक फ्लाइट ट्रेन यहाँ रुकी हुई है स्टेशन का नाम आप सभी को पता होगा जो है चंडी पहाड़ और यहाँ पर हमारी ट्रेन रुक जाएगी क्योंकि आगे का रुक नहीं होने के कारण इस ट्रेन पर रोका जा रहा है 0.2 किलोमीटर 1 किलोमीटर मैं ट्रेन को ब्रेक लगा देता हूँ ट्रेन रुक जाएगी जल्दी ही और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जो चंडी पहाड़ में यहीं पर हमारा सफर समाप्त होता है मिलेंगे अगले वीडियो में मैं अगला पता नहीं कुछ तो एक्टिविटी लाऊंगा एक सप्ताह के अंदर तब तक लग बने रहिए हमारे साथ इसे खेलिए मैं इसका जिप फाइल लिंक में दे दूंगा एक्टिविटी इंडियन फॉर डिटर्मिनेशन सी द हेल्प विंडो F1 हाँ तो मैं बोल रहा था कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और कुछ कुछ एरर थी जैसे मैं आपने एरर देखे होंगे नंबर 1 एरर जो थी वो वहाँ थी विद्यासागर में वो मैं सुधार दूंगा और आप डाउनलोड करके गेम खेलिए मजा लीजिए गेम का इस गेम को मैंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी इससे मैंने बहुत जगह पर स्टेटस डाली थी जैसे कि आप देखे रहोगे तो चले मिलते हैं अगले किसी एक्टिविटी में तब तक के लिए गुड बाय